हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टू पालक बनाने जा रहे हैं, तो आप वीडियो पूरी एंड तक देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आलू ले लिए। अब इन आलूओं को हम गोद देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम गोद लेंगे ये सारे आलू अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई में तेल कर लिया है। इसमें हम अपने आलू भूनेंगे, जैसे हम सियाबत आलू बनाते हैं उसी तरह से भूनते हैं, वैसे ही भूनेंगे इन्हें भी। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इतने हम आलू भुनेंगे, इतने हम अपना साग पीस लेते हैं ये मिक्सी में। ये देखिए, इसके हम आपको दिखाते हैं। ये निचोड़ के पीसना है, हमें पानी इसमें नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पीस लिया है। इसी तरह से हम सारा पालक पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी पीसते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गुलाबी करके भुनेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गुलाबी करके हमने भून लिए। ये देखिए, इनका आपको कलर दिख रहा होगा, ये बिल्कुल गुलाबी हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा साग है वो हम इसी कढ़ाई में दे लेंगे। इसे मैं तेल में भूनूंगी, क्योंकि तेल में ये भूनने के बाद बहुत टेस्टी हो जाएगा, इसीलिए। थोड़ी देर ढकाऊंगी मैं इसी तरह तेल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तेल में खूब भदका लिया है। ये अब मैं इसे बाहर निकालूंगी थोड़ी देर में, और जब तक ये अच्छे से भदक रहा है तब तक मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ, फिर हम इसे छौंकेंगे। तेल में हमने इसलिए भुना था ताकि इसकी पालक की वो निकल जाए, हमारी अजीब सी वो आती है पालक में खुशबू तेल में भूनने से, ये इस तरह से। अब इसमें वो नहीं आएगी पालक की, जो सुगंध सी आती है, और इसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अच्छे से भदक गया है, मैं इसे उतार लूँगी। अब इसे मैं छौंकूँगी। ये देखिए, ये मैंने अदरक ले ली है, और ये जीरा, ये लौंगे, काली मिर्चें, और ये इलायची, ये सारी चीज़ें मैं पीस के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तेल दे लिया है कढ़ाई में। ये देखिए, ये मैंने लाल मिर्चे और हींग ले लिए, और ये जो मसाला मैंने आपको अभी दिखाया था गरम, ये वही मसाला है मेरा। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी, ये देखिए, और धनिया, एक चम्मच में इसमें धनिया डालूंगी। आप इसमें लहसुन प्याज भी पीस लेना, मैं इसमें लहसुन प्याज नहीं पीस रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तेल भुन चुका है। इसमें मिर्च और हींग डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मसाला डालूंगी मैं इसमें, अपने थोड़ा सा पानी, भूनेंगे मसाले को अपने, जब तक हमारा इसमें तेल ना छोड़ दे ये मसाला, तब तक भूनेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। ये देखिए, आप
ये तेल छोड़ चुका है ये तेल, ये देखिए मैं इसमें अपना पालक डालूंगी। देखिए थोड़ा सा डालूंगी इसमें एक पानी में, देखिए इसमें डालूंगी ये आलू। ये देखिए फ्रेंड्स मैं नमक डालूंगी इसमें अपना, जब तक मैं अपना आटा गूंदूंगी तब तक इसे भड़कने दूंगी अच्छे से, जब मेरे आलू गल जाएंगे ये तब मैं इसे उतारूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्टू पालक तैयार है, ये देखिए अब इसके साथ बनाएंगे हम बगर की और मक्का के आटे की रोटियां, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हम कैसे सेकते हैं वो। देखिए फ्रेंड्स ये मक्का की रोटी और ये धान की रोटी और ये हमारा स्टू पालक साग, ये हमारा खाना तैयार है। बाय बाय।